देख भाई, इस शहर में वही होता है जो ज्ञान भाई चाहता है। धमकी देना, वसूली करना सब मेरे आदमी करते हैं। तूने वसूली कब से शुरू कर दी और इसका मतलब क्या है? कॉम्पिटिशन सुना है? ए, दो चार लल्लुओं को पीट कर तू डॉन बन गया क्या? अबे चुटकियों में मैं तेरे जैसों को गायब करवा सकता हूँ। अबे मुझे कमिश्नर तक सलाम ठोकता है। भाई भाई भाई, ऐसा नगर थाने में हवलदार लोग अशोक और भास्कर की सॉलिड धुलाई कर रहे हैं। उसे बताया नहीं कि मेरा आदमी है? आपका नाम बता दी उनकी डबल ट्रिपल धुलाई की। भाई चुप बे, बेचो बेचो। हाँ मैं क्या बोल रहा था, सब लोग ऐसे धंधा करेंगे तो क्या मैं चूड़ियां बेचूंगा? चल छोड़, तेरी गलती माफ करता हूँ। अबे भाई बनने का शौक है तो मेरे लिए काम कर। शेर किसी की नौकरी नहीं करता। अरे देखो इसको, ये क्या बोल रहा है? क्या करूं भाई, जिद्दी लड़का है, किसी की नहीं सुनता। देख इसके जैसे बहुत सारे येड़ों को सीधा किया है मैंने, तेरा बेटा इसलिए मांडोली करता हूँ। चल हैदराबाद संभाल और 10% कमीशन तू रख ले। सोने की दुकान, मैं तेरे पास आया हूँ कि तू मेरे पास आया? चल मैं तेरे पास आया हूँ तो क्या? कमीशन मैं फिक्स करूंगा। तू फिक्स करेगा? 10% तू लेगा। अरे ये क्या नरसिम्हा, ये तो मेरे धंधे की वाट लगा रहा है। भाई अब आप ही संभाल लीजिए ना इसको। यार क्या बेटा पैदा किया है तूने, तेरी दोस्ती की वजह से चुप बैठ रहा हूँ। चल ठीक है, 10% मेरा, अपन बाहर किसी को बोलने का नहीं। काय को? अरे बाहर मेरा कचरा हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं ना कि अपन दोनों के बीच में क्या सेटलमेंट हो रहा है। समझा रहा इसको, मांडवली कर लेना बाबा। चल ठीक है। अरे यादव वो लेके आ। ताला क्या क्या करना पड़ता है। अरे ले लो भाई, गिफ्ट है। गिफ्ट चाहिए? खोल के देखो, मस्त चीज है। ये है क्या? पेंटिंग। ये पेंटिंग है, लगता किसी ने रंग पी के उल्टी कर दी है। इसको पेंटिंग बोलता है? तेरी की, किस खजूर ने बनाई ये पेंटिंग जरा बता दो। जबान संभाल के, भाई ने बनाई ये पेंटिंग, समझे? ये तो चुप रहे, ये पेंटिंग मास्टर साहब ने बनाई थी। मैंने कब बनाई थी? अच्छा नरसिम्हा भाई देखो, हैदराबाद में अपना मस्त बंगला है, तुम लोग उसी में जाके रहने का, ठीक है? और पंटर लोग आज ही शिफ्ट हो जाने का। आज ही शिफ्ट हो जाने का? उस कबाड़ खाने में चूहे और सुअर कबड्डी खेलते हैं। अरे सफाई करवा देंगे, चक्का चक हो जाएगा। अच्छा चल तो नरसिम्हा भाई। अच्छा चलो रघु भाई, अपना ध्यान रखना, ठीक है? भाई लोग मैंने 10% पर हैदराबाद नरसिम्हा को दे दिया। अभी पुराना दोस्त है, बहुत गिड़गिड़ाया, मैंने सोचा चलो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसको 10% क्यों देने का भाई? अरे तू टेंशन क्यों लेता है, सारा रिस्क वो उठाएंगे, अपने को बैठे बैठे 90% मिल जाएगा। अच्छा हुआ भाई वो 10% में मान गया। अभी तू मुंह खोला तो मेरे को भी याद आया। क्यों बे? मैं उधर कमिश्नर की धौंस जमा रहा था और तूने आके बग डाला कि पुलिस स्टेशन में हवलदार मेरे आदमी को धो रहे थे। भाई मारना मत, डॉक्टर छुट्टी पे गया। मारूंगा नहीं, तुझे तो मैं इनाम दूंगा। तूने कहा था कि अपना बंगला गंदा है ना, अब उस पूरे बंगले की सफाई तू करेगा। आज से ज्ञान भाई ने धंधा संभालने का जिम्मा रघु भाई को दिया है। दिया नहीं, लिया है। भाई ये है राजेश मेंटल। नमस्ते भाई। बचपन से ही क्राइम की कमाई खा रहा है भाई, अभी अपने एरिया में दारू का धंधा डाला इसने, बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। सारी औरतों ने मोर्चा निकाल दिया कि उनके पतियों को लूटा जा रहा है। अब आप ही बताइए भाई, हफ्ता देते हैं तो धंधा तो करेंगे ही ना। ए, आराम का खाके भी तेरा पेट नहीं भरा कि तूने दारू का धंधा शुरू कर डाला। धंधा इसका भाई, लोग मेहनत करके 150 कमाते हैं और तुम लोग उनके बच्चों की रोटी छीनकर उन्हें दारू में डुबाते हो, नकली दारू बनाकर उन्हें मौत भेजते हो, कमीने। अब इनका मैटर बोल। इनका मैटर सुनोगे तो भाई खड़े खड़े कलेजा फट जाएगा। अच्छा, इसके ससुर ने इसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था भाई। एक लाख दिया, बाकी दूसरे के लिए हाथ दिखा दिया। अभी इसे गुस्सा आया तो उठा के बीवी का सर धार से दीवार पे मारा और घर के बाहर फेंक दिया। अब इतनी सी बात पे भाई इसके ससुर ने पुलिस केस कर दिया। अब ये भी कोई बात हुई? ए, इस बंदर जैसी शक्ल के लिए सहज चाहिए? दहेज ये मांग रहा भाई। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके सपने तोड़े, उस पर हाथ लगाया। कहाँ गए रे, सबके सब कल्टी हो गए क्या? तू सब ऐसे ही मर्डर लाया क्या? मांडवली के मैटर तो ऐसे ही होते हैं भाई। मांडवली के फैसले अपनी जेब भरने के लिए नहीं करते। नेक्स्ट टाइम ऐसे मैटर लाया तो तेरे सर से पांव तक प्लास्टर चढ़वा दूंगा। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में लग रहे हैं। अरे चुप, सर आ रहे हैं। पूरा शहर भाई से डरता है और भाई सर से। भाई इस मच्छर से डरता है? तेरे बोल, भाई को इसकी बहन से प्यार है। वो बोलती है कि उसकी फैमिली भाई की तरह नहीं बल्कि आर्टिस्ट फैमिली है। एक पेंटिंग बनाकर मेरे भाई को इम्प्रेस करे तो मैं अपनी फैमिली वाले को शादी के लिए मना सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ किया ना सर, दिखाता हूँ। सारी रात जाग कर मैंने ये पेंटिंग बनाई है सर। सारी रात जाग कर ये नंगू पंगू को बनाया है? ये है क्या? दयावान आसमान है? इस पेंटिंग का नाम है सर। इस पेंटिंग में खड़ा लड़का बेचारा अनाथ है, इसके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है सर।
ये सब ठीक है, लेकिन इसके कान क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहरा है। हा? बहरों को कान नहीं होते क्या? पर पेंटिंग में कैसे पता चलेगा कि ये बहरा है सर, इसीलिए कान नहीं बनाए। यानी भेजा नहीं तो सरी गायब कर दोगे। चलो अब आगे की कहानी बताओ। भूख लगती है तो जमीन को देखता है, और जब प्यास लगती है तो आसमान की तरफ देखता है। आसमान इस पर तरस खाकर इसे 1, 2, 3 बूंद पानी देता है। भाई वाह, तुम्हारी पेंटिंग का तो जवाब नहीं। तुमने अपने दिमाग में अपनी स्टोरी तो फिट कर ली, लेकिन देखने वाले कैसे समझेंगे? सब तो समझ में आ रहा है सर। क्या खाक समझ में आ रहा है? भाई क्या बात है, इतना भौंक क्यों रहा है? बहुत जरूरी मैटर है मास्टर जी। ये उससे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे हिसाब से ये सबको समझ में आएगा, है ना? हाँ मास्टर साहब, दिन के उजाले की तरह। ए कुट्टी, ये पेंटिंग देख और बता मुझे क्या समझ में आ रहा है, बता। इस लड़के के घर में टॉयलेट नहीं है तो ये जंगल में आया है, और जल्दी जल्दी में लोटा लाना भूल गया तो पहुँचने के लिए झाड़ से पत्ते मांग रहा है, है कि नहीं? ठीक है। पूरा मत माना, तुम्हारे सर में भेजा नहीं गोबर भरा है। इसलिए तुम्हारे पेंटिंग के आइडिया से बदबू आती है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ सर, पेंटिंग बनाते वक्त मेरे हाथ कांपते हैं। दारू बंद करो। पेंटिंग का दारू से क्या कनेक्शन है सर? अगर हाथ शेक नहीं होगा तो पेंटिंग की शेप अच्छी बनेगी। ट्राई करो, मैं कल आता हूँ। साले अकल के दुश्मन। वो क्या पहुँचने के लिए पत्ते मांग रहा है? गलती से मिस्टेक हो गई। आप क्या सोच के पेंटिंग बनाते हो मुझे बता देना, मास्टर को वही बताऊंगा मैं। वो क्या तेरे जैसे गधे से 2 बार सवाल पूछेगा? मेरी बात तो सुनो भाई, वो रघु रोकड़ा है ना, अपने धंधे की बहुत बुरी तरह से फाट लगा रहा है। जब से हैदराबाद में घुसा है वो तो नोट छाप रहा है और हमें कुछ भी नहीं दे रहा। कुछ करो भाई। लोग बैंकों पर भरोसा करते हैं और हमारे यहाँ पैसा जमा कराते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें बैंक बंद करने पड़ेंगे और नुकसान भुगतना पड़ेगा आम कस्टमर्स को। सिर्फ हमारे ही शहर में बैंक का 7,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है। अगर आप वो उधार वसूल करवा दें तो हम आपको 10% देंगे। परसेंटेज से ज्यादा तुम्हारा काम अच्छा लगा, डील पक्की, कल से ही काम चालू हो जाएगा। थैंक यू सर। तुम धंधा खराब कर रहे हो इसकी मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तुम्हारे काम का स्टाइल अच्छा है, खुश। मैं काम करता हूँ इंसाफ के साथ, यही मेरी पॉलिसी है। भाई का पॉलिसी वाली से नहीं, रोकड़ा मांगता है। देख, अगर पैसे के लिए सौदा करेंगे तो भाई का नाम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में खराब हो जाएगा, ये बहुत डेंजर है। और अगर पैसा साइड में रख के सौदा करेंगे तो भाई का नाम ऊंचा हो जाएगा, क्या बोलते हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयरिंग नहीं करूंगा, अपने स्टाइल में धंधा करते रहो। चलो नरसिम्हा भाई। चल साले, अब तेरे तेरी मैं पुंगी बजाता हूँ। क्यों बे, उधर मास्टर के सामने तूने मेरी इज्जत का भाजी पाला किया, और इधर गलत इन्फॉर्मेशन देके तो हमारे बीच लफड़ा करवाना चाहता है। अभी क्या करूँ साले का? भाई माफ कर दो, डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे गए। तुझे माफ कर दूँ? कर दिया। तो गाइस समझ गया ना, डील एकदम आराम से करना। ओके भाई। ओके भाई नहीं, ओके ब्रो बोलो। ब्रो मतलब भाई, कॉर्पोरेट स्टाइल। ओके ब्रो। डिस्पर्स। क्या बात है जी, मैं बैंक से आया। अच्छा अच्छा, वो लाया हो ना? क्या सर? क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, वही लाया हो ना? मैं देने के लिए नहीं सर, लेने के लिए आया। क्या लेने आया हो? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। यहाँ सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है, यानी सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं है। सर ये बात है तो हमें आप पर केस करना पड़ेगा। माजे और केस करेगा क्या? मैं TV9 से कह दूंगा कि तुम मेरे घर गुंडे भेजते हो। पुलिस वाले को बोलूंगा कि तुम औरतों से बदतमीजी करते हो। हेलो, के मोर स्पीकिंग। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए सर? बोला मैडम, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, बढ़िया रिकॉर्ड है मेरा, पेमेंट भी एकदम फटाफट करता हूँ। थैंक यू मैडम। सामान को क्यों चलाओ? कार, मेरी कार का लेंगे, मुझे मार क्यों रहे हो तुम? तेरे को कॉर्पोरेट स्टाइल में समझाया तो तू नहीं समझा, तेरे को रघु रोकड़ा की स्टाइल में समझा। ये रघु रोकड़ा को? जब रघु रोकड़ा का हाथ पड़ता तो सारा इंडिया नजर आता, घूमता। कैसे घूम जाता है? घुमा के नहीं घुमा, घर घर घुमा, तुम ही रघु रोकड़ा हो। समझ गया ना, अब पैसे दे जा, सामान ले जा। ए, कुछ भी मत छोड़ना। बाप निकाला। फ्लोर पे? वो थर्ड फ्लोर पे। दिखता नहीं क्या तेरे को? सर मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड के बच्चे? ये चश्मा अच्छा है, सर पर रख ले। ये बालून भी दे जा। हट सर। ये सब डांस क्यों कर रहे हैं? आज वैलेंटाइन डे है भाई। अगर आपने किसी लड़की को फूल दे दिया तो समझो मामला फिट है। ए चुपट भाई, ये सब बेकार की बातें, ये रईस बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। आगे देख। आज हमारे अशोका मेट्रोपॉलिटन मॉल में हमारे शॉपर्स में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले का टोकन नंबर है 153। क्या हुआ भाई? वो
हो रही बस स्टॉप वाली लड़की। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपका नाम? शिवानी। भाभी का नाम शिवानी है भाई। कितनी खूबसूरत लगती है। हाँ भाई। आपने 25,000 रुपए जीते हैं, इसका आप क्या करेंगी? मैं चाहती हूँ कि आप इन पैसों को मेरी तरफ से किसी भी अनाथ आश्रम को दे दीजिए। वाओ, अरे क्या बात है, सही लड़की है। इस वैलेंटाइन डे पर अनाथों का आप इतना अच्छा गिफ्ट दे रही हैं, तो आपके बॉयफ्रेंड को क्या दे रही हैं? सॉरी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है भाई। अरे उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। भाई, क्या बता सकते हैं कि आपको किस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए? बेसिकली वो सेंसिटिव होना चाहिए। क्या बोल रही हैं? और अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो वो दूसरा गाल पेश कर दे, मतलब वो गांधी जी का फॉलोअर हो। आइला भाई सुना, उसे कला से प्यार होना चाहिए। भाभी को जो बातें पसंद है आप में तो उनमें से एक भी नहीं है भाई। अरे चुप। थैंक यू। भाई, भाभी ने तो आपका बलून पकड़ लिया। भाई, भाभी के हाथ में तुम्हारा फूल है, यानी कि मामला फिट है। ए चुप कर भाई, ये सब बातें नहीं मानता। मैंने भाभी जा रही है। इट्स अ लकी डे। उन सभी लोगों को जिन्हें लाल फूल मिला है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। छे, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। मेरी नजरों से दूर है पर दिल के पास। आने के लिए शुक्रिया सर, आपका स्वागत है। आप आराम कीजिए, शॉट रेडी होती है, आपको बुला लेंगे। अरे जल्दी रिकॉर्ड कर। यस सर। कैसा लगा? कॉपी लगा, मतलब बंटी और बबली की ओरिजिनल कॉपी है, सिर्फ कोरस डालना बाकी है। मैं भी बुला के लाता हूँ। उसका टेम्पो इसका टेम्पो अलग है। वो टेम्पो था, ये ट्रक है, उसमें ऐश थी, इसमें कैश है। वो मीठा आम या करेला है? जय सूर्या सर। सर, ब्लू ड्रेस वाली को सबसे पहले अंदर भेज, ब्रेक देते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बैठो। थैंक यू सर। क्या नाम है? शिवानी। ब्यूटीफुल नेम, जैसे सावन की बदली बरस रही हो। देखो शिवानी, सच कहूँ तो मैं ना सुरताल जानता हूँ, ना ही राग और साग, ना ही काली सफेद, फिर भी मैं आज का अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। पता है कैसे? दूसरों की कॉपी को कॉपी करके। तुमसे किसी ने पूछा, सर फिल्मों में ऊपर आने के लिए एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का रिलेशन तो ऐसा होता है जैसे पति और पत्नी का। ओह, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मेरा मतलब है कि उतना अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, चलो म्यूजिक की ये फालतू बातें छोड़कर हम अपने लाइफ की बातें करते हैं। ए सर, शाम के लिए गेस्ट हाउस बुक कर। हाँ। और इनके लिए गाड़ी भेज देना, ये आ जाएंगे। ठीक है सर। तुम समझ गई ना? बहुत अच्छी तरह से। मैं तो चप्पल से मारती तुम्हें, पर तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी सिफारिश के नहीं, मेरी कला के भरोसे पर यहाँ आई हूँ।